हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज से हम हमारी 2000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 2000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2000 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस में हम किस टाइप के क्वेश्चन लेंगे, हम उनमें ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और उन रिपीटेड क्वेश्चन के बेस पर जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि हम जो क्वेश्चन इन टेस्ट में करेंगे, 2000 वाली सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, वो सभी एग्जाम के लेवल के होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम लेवल के होंगे, ना ज्यादा हार्ड होंगे ना ज्यादा इजी होंगे, बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और जो कंसेप्ट आपको ऐसे लगे इसको नोट करना, उसको नोट जरूर करते चले। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे पहले देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन किस रिलेटेड है, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3.5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू 2.5 -3.6। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे और बेसिक तरीके में ऐसे हमें कैलकुलेशन स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ बिल्कुल। ठीक है, क्या कि सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट से पास होती है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती है हमारी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस X1। ठीक है, हमारे X1 और Y1 क्या है हमारे पास, ये हमारे हैं पासिंग पॉइंट। क्या हमारे पास ये पासिंग पॉइंट है, जिनकी वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में कितनी दी है, मेरे को इतना टाइम नहीं चलेगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, क्या है, -3.5 दे रखी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हमारे पास Y1 भी है X1 भी है, हमें किसकी जरूरत है, सिर्फ M की जरूरत है और हमारी क्या आ जाएगी XY, तो ये तो होनी चाहिए इक्वेशन में। ठीक है, इनको तो ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ m की जरूरत है। m के लिए हमें क्या हिंट दे रखा है कि ये लाइन जो परपेंडिकुलर, जिस लाइन की परपेंडिकुलर वो इन पॉइंट से गुजरती है, तो आपको पता है अगर इस लाइन की स्लोप m है, अगर इस लाइन की स्लोप मैंने m1 मान ली, जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी स्लोप मैंने क्या मान ली, m1 मान ली, तो जो उस लाइन की स्लोप है वो क्या होगी, जो जिसकी परपेंडिकुलर लाइन की क्या होगी, इसकी m1 मान ली तो इसकी कितनी होगी, m होगी, -1/m होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर और जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में स्लोप में रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम इसकी स्लोप निकालेंगे, इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 - y1 / x2 - x1 ऐसे, यानी 6 - 5 - 3 - 2, ये कितना हो गया, 1 - 5 हो गई। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, m1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 - 5 = -1/m, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, ये वैल्यू हम कहाँ पर पुट कर देंगे, हमारी यहाँ पर पुट कर देंगे, तो y - 5 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 5। इधर देखिए ये वैल्यू जो हमारी, ये इज इक्वल टू m की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 5 x माइनस, और ये माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5x + 15 इज इक्वल टू y - 5। अब इस y को इस साइड ले आएंगे, 5x - y, इस 5 को भी ले आएंगे, यानी +20 = 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, पूरी उम्मीद आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, हमें ऑर्डर और डिग्री निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऑर्डर क्या होता है, और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास,
ऑर्डर हमारे पास होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। और डिग्री हमारे पास क्या होती है, डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री क्या होती है हमारे पास, है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको क्या दिख रहा है, यानी डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी दिख रही है आपको, तीन, यानी जो वाई का सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार हुआ, तीन बार। तो ऑर्डर तो क्या जाएगा हमारे पास है, तीन बार आ जाएगा, ठीक है। और अब डिग्री में देखिए पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या बोलते हैं, डिग्री। कई बच्चे क्या करेंगे कि पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव तीन है और इसकी पावर कितनी दी हुई है हमें, वन दी हुई है, ये कर लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जब भी आपका किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो कोस हो, साइन हो, टेन हो, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लॉग फंक्शन हो, उसके अंदर, इसके ऊपर, इसके अंदर और इन कोस साइन टेन सेकेंड कोट, इनके अंदर अगर डेरिवेटिव आ जाए, क्या आ जाए, डेरिवेटिव, तो डिग्री हमारी क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। क्या होती है, डिग्री नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, डेरिवेटिव तो जो हमारा ऑर्डर तो थ्री आ जाएगा और वो नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि द रेडियस ऑफ सर्कल 2x² + 2y² + 2gx + 8y + 4। सबसे पहले हमें बेसिक हमारी जो इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, वो होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = क्या होता है, 0, यानी x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट भी 1 है और y² का भी। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर 1 कोफिशिएंट बनाना पड़ेगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सभी को किसे डिवाइड कर देंगे, 2 से, इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बनाना है, कोफिशियंट सेम बनाना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर इसको आगे सोल्व करेंगे तो x² + y² + 4x + 4y + 4 = 0। अब 2g, अब इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, x के मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 2g, तो 2g की वैल्यू इसके अनुसार क्या आई, 4। उसके अनुसार इसके हिसाब से 2f की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4। यहाँ से जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2, और यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हमें पता है रेडियस निकालने, तो रेडियस का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, g² + f² - c रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर सी। अब क्या बन जाएगा, रूट जी का स्क्वेयर 4 + 4 - c हमारे पास क्या होती है, सी की वैल्यू होती है, किसी वैल्यू होती है हमारे पास, सी की वैल्यू होती है, तो ये कितनी हमारे पास है, 2। यानी ये हमारे पास कितनी है, इसको अगर डिवाइड किया 4 से तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। अगर 2 से डिवाइड कर, 4 से डिवाइड करने क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। तो 4 + 4 = 8 - 2, इसका आंसर आ जाएगा √6, ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बिना देरी के हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 विद 2 डाइस, यानी हमने 2 डाइस डाली। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस 1 1, बिल्कुल हमें ये दिमाग में होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल 1 1 1 1 1 2 ऐसे नहीं लिखेंगे। देखिए पहले लाइन में सम, जो हमारा सम है, ये ऐसे हमारी 6 लाइन बनेगी, 2 1, एग्जाम में पूरी नहीं बनानी होती आपको, ये तो मैं समझा लेके नहीं बनाता हूँ, ठीक है। 3 1 3 6 तक जाएगा, 4 1 4 6 तक जाएगा, 5 1 और 5 6 तक जाएगा, ठीक है, और 6 1 6 6 तक जाएगा। इसमें देखिए हमारे पास सम किस किस का आ रहा है, 1 और 6 का जोड़ कितना आ रहा है, 7। इसमें 2 और 5 का आएगा, इसमें किसका आएगा, 3 और 4 का आएगा, अगले में उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा, 4 और 3 का आएगा, फिर 5 और 2 का आएगा, और फिर 6 और 1 का आएगा। टोटल कितने बनेंगे हमारे पास, 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, कितने बनेंगे टोटल, टोटल नंबर ऑफ जो वेज है वो कितने बनेंगे हमारे पास, 36। और फेवरेबल केस कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 इसका क्या होगा आंसर, यानी 1/6 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है आपको, 1/6 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस वाई इज इक्वल टू एक्स, और बिल्कुल यही लेवल आता है ये ना, बिल्कुल इजी है। और दो तीन क्वेश्चन हार्ड आते हैं जो आपको स्किप करने होते हैं, जिसमें आपको अपना टाइम बचाना होता है, ठीक है। देखिए अब देख, बिल्कुल आसान है। एरिया में पता क्या होता है, यानी अगर ए से बी लिमिट दे रखी है तो ए से बी वाई डी एक्स हमारा क्या होता है, एरिया होता है, यानी क्या होता है हमारे पास, एरिया होता है एरिया बाउंडेड बाय करो, ठीक है। इस ये किसका सिंबल है, एरिए का, ठीक है ठीक है। अब हमारे पास लिमिट क्या दे रखी है, एक्स की लिमिट दे रखी है, जो यहाँ पर होता है डी, अगर डी वाई होता तो ये लिमिट किसकी होती है, y की। अगर यहाँ पर डी एक्स होता है तो किसकी लिमिट होगी, ये x की, तो लिमिट कितनी दे रखी है हमें, जीरो से फोर वाई डी एक्स। अब यहाँ पर डी एक्स है तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन किसी फॉर्म में होना चाहिए x में, और ये हमें दे रखा है जीरो से फोर y इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है हमें, x के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x dx। अब इसका क्या कर देंगे, बिल्कुल सिंपल से इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर बढ़ा देते हैं और उसी पावर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और इसकी लिमिट जीरो से फोर। अब क्या कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 16 बाई टू माइनस जीरो बाई टू, यानी एट इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, एट स्क्वेयर यूनिट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखिए इसमें जल्दी जल्दी में 100% बच्चे, 100% तो नहीं, 90% बच्चे इसमें क्या करेंगे, गलती करेंगे। कैसे करेंगे, जाती उन्हें तो एक लिमिट में एक क्वेश्चन रट रखा है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना, या एल हॉस्पिटल बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है, ठीक है। क्या करेंगे, जाते एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इस कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और इसको कर देंगे माइनस साइन जीरो, आंसर आ जाएगा जीरो। बिल्कुल गलत है, क्या बिल्कुल गलत, क्यों, पहले हमें लिमिट डायरेक्ट पुट कर देखनी होती है, डायरेक्ट पुट करने के बाद अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बने, जीरो बाय जीरो फॉर्म बने, ऐसी कोई फॉर्म बने, तभी हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना होता है, तभी क्या लगाना होता है हमें, एल हॉस्पिटल या एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं कई, वो रूल लगाना होता है हमें, ठीक है। अब पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कोस एक्स की जगह पुट करेंगे जीरो, कोस जीरो वैल्यू कहते हैं हमारे पास वन, ये फॉर्म तो नहीं बनी, तो राइट आंसर क्या जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, वन, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हुआ। कई बच्चों ने आती इसमें 90% एल हॉस्पिटल रूल लगाया होगा, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना, ठीक है, यही फंसाता है एग्जामिनर, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन पी ए यूनियन इक्वल टू। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अब बस जो इसमें लॉजिक की बात, वो क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ऐसा इवेंट जिसमें कोई भी चीज क्या ना हो कॉमन, कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, जीरो के, और ए इंटरसेक्शन बी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी यहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम, जीरो, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक 4x² प्लस 9y² 144। देखिए सबसे पहले हमें पहचानना ये इलिप्स है या हाइपरबोला या और कुछ है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, यहाँ पर कॉनिक में यहाँ पर क्या होता है, हमेशा वन होता है, तो 144 से पूरे क्वेश्चन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसे कैंसिल, ये गया 9 पे, 9 मंजा 9 यानी 16 पर, ये 4 3 जा यानी 36 पर, ये किस पर गया, 36 पर, हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर बाय 36 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 16 इक्वल टू 1, क्या बच गया हमारे पास, इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए इलिप्स की इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन बन गई, इलिप्स की, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है, इक्वल टू 1 होती, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 36, बी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है एलिप्स के लिए, वो होता है रूट, बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन आता है इससे, 1 माइनस बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, 1 माइनस बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, यानी 1 अंडर रूट 1 माइनस 16 माइनस 36। अब इसको सोल्व करेंगे तो रूट 36 माइनस 16 बाय 36, अब इसको अगर मैं ऊपर सोल्व करूं तो क्या होगा हमारे पास, 20 बाय
ट्वेंटी बाय एटीन, अब इसको कैंसिल करेंगे तो टेन बाय, ये यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्या है कि अब इसको हम 36 हो गया, ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास 20 और नीचे 36 का क्या निकल जाएगा बाहर रूट में से 6, तो क्या जाएगा रूट 20 बाय 6। अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं 5 बाय मल्टीप्लाई 4 इंटू 6, 4 का क्या बार आ जाएगा, 4 का क्या बार आ जाएगा 2 रूट 5 बाय 6, इससे कैंसिल 3, तो आंसर क्या जाएगा रूट 5 बाय 3। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अगला देखते हैं, आई होप आपको अच्छे से कैलकुलेशन तो आपकी है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है a इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, बिल्कुल किससे रिलेटेड है, ये स्टेटिस्टिक्स चैप्टर से हमारा रिलेटेड है। इसमें हमें एक रिलेशन याद रखना होता है, क्या जो हमारा मोड होता है, जो हमारा मोड होता है वो किसके इक्वल होता है, रिलेशन होता है मोड मीन और मीडियन में, 3 मीडियन किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब इस मोड की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, के मल्टीप्लाई बाय 3 मीडियन माइनस, मोड की जगह क्या पुट कर दूंगा, 3 मीडियन, अब ये माइनस का है, मोड की जगह पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का 3 मीडियन और प्लस का 2 मीन हो जाएगा, प्लस का 2 मीन इक्वल टू मीन दे रखा हमें, उसमें वैल्यू पुट हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, मेरे पास इधर क्या बच गया, k मल्टीप्लाई 2 मीन, और यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास मीन, मीन से मीन कैंसिल, 2k की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 बाय 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर, बस ये रिलेशन याद रखना है, इस रिलेशन से क्वेश्चन और तरीके का भी बन सकता है, कई बार तो डायरेक्ट ये रिलेशन ही पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वो नेवी की बात हो चाहे एयरफोर्स की, इसका 1 बाय 2 आंसर राइट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है, अगला बिल्कुल आसान है, इसका बिना देखे आपको आंसर लगा देना है 0। कंसेप्ट बताता हूँ, क्यों, किसी भी मैट्रिक्स की अगर दो रो या दो कॉलम क्या हो, सेम हो, इसमें क्या है 3 2 1 ये है, दूसरी भी 3 2 1 है और 1 0 1 है, तो ये दोनों क्या है सेम है, तो सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा 0 होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर आप इसको डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका सोल्व करेंगे तो भी यही आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं, सोल्व ट्रिक बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें याद करनी होगी, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, अगला है हमारा इंटीग्रेशन से, वैसे तो हम इसको जो हमारा यू इंटू वी का फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन यू इंटू वी का फार्मूला होता है, उससे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाएगा, उसके लिए एक शॉर्ट मेथड बना, छोटा मेथड तो क्या लॉन्ग मेथड ही होता वो भी बिल्कुल, लेकिन उसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है, कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी यहाँ पर हम साइन एक्स को क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, तो कोस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, टी के आ जाएगा। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन की जगह टी, तो टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई इफ कोस एक्स डी एक्स, ये देखिए ये कोस एक्स dx है, ये इसकी जगह क्या है dt, तो यहाँ पर क्या कर देंगे dt, ठीक। अब इसका आसानी से डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्या होता है एक पावर बढ़ा देते हैं, उससे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं और 0 से पाई बाय 2, ठीक। अब दोबारा अगर लिमिट पुट करनी तो t की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, साइन x बाय 3 रूट 0 बाय पाई बाय 2, और अब साइन पाई बाय 2 की वैल्यू यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। आई होप आपको ये बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आ जाएगा 1/3। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, क्या है, कोस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू, देखिए कहीं भी आपको टेन थीटा या कोट थीटा दिखे, इनको सबसे पहले साइन, अगर क्वेश्चन साइन में हो और आंसर भी क्या में है, ऑप्शन भी हमारा किस में है, साइन कोस में, तो इनको सबसे पहले साइन कोस में चेंज कीजिए, टेन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये वैल्यू पुट करेंगे आंसर बिल्कुल आपका आसानी से आ जाएगा, कैसे देखिए कोस थीटा
और एक डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है इसकी, थीटा की जगह वैल्यू पुट कर लीजिए, थीटा की जगह वैल्यू पुट कर लीजिए, थीटा की जगह कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, जिस बस क्वेश्चन इनफिनिटी बना नहीं 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 बनना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको उस तरीके से करके दिखाता हूँ, देखिए देखिए थीटा की जगह हम 45 नहीं पुट कर सकते, क्यों नहीं पुट कर सकते, अब देखिए यहाँ पर 10 45 वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो किसी भी चीज के डिवाइड में अगर 0 तो इनफिनिटी बन, तो 45 नहीं कर सकते। हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, हम पुट कर लें यहाँ पर 0 पुट कर लें, 0 या 90, अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत आएगी कोटो वाले में, तो हम इसको इस बेसिक तरीके से कर सकते हैं, या हम 30 पुट कर सकते हैं, या 30 या 60 में से कुछ भी पुट करें और फिर उसी को इस पहले इनमें पुट करें, इनसे जो आंसर आए फिर इन वैल्यू को इनसे पुट करें, अगर दोनों में जोन से ऑप्शन चाहिए ये आंसर मैच करें वही क्या होगा आंसर होगा। लेकिन बेसिक तरीके से इसको कैसे करना, हमें 1 - sin θ / cos θ लिख सकते हैं 10 को, प्लस sin θ / 1 - cot को क्या लिखते हैं, cos θ / sin θ, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेकर अगर सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये कोस थीटा इधर चला जाएगा, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा बाई, और अभी डिवाइड में जो कोस थीटा आएगा वो ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे इसमें होगा प्लस साइन थीटा बाय साइन थीटा, ये इधर चला जाएगा माइनस कोस थीटा, और जो बट्टे में साइन थीटा बचेगा इसके ऊपर चला जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं फिर, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अभी बिल्कुल सेम है तो ये जो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी ऊपर क्या जाएगा एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये बिल्कुल सेम ही है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए इस फॉर्मूले को खोलेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किस बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है, डिवाइड में हमारे पास क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, डिवाइड में इसे कैंसिल, आंसर क्या बच गया हमारे पास, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी या साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी आंसर नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये आया भी, और ऐसे क्वेश्चन आते भी अलग अलग तरीके से, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्या है कि अगर आइटा की 4 कॉन्जिगेटिव पावर हो, क्या हो 4 कॉन्जिगेटिव पावर हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, आइटा की पावर 4 क्या होती है, 0 होती है, लेकिन होनी चाहिए कंजिगेटिव, यानी 1 से स्टार्ट है ये तो 1 2 3 4, अगर 2 से हुई तो 2 3 4 5, यानी कंजिगेटिव होनी चाहिए। तो इसमें देखिए पहले क्या है 2n, फिर 2n में क्या हुआ 1 ऐड, फिर उसमें क्या हुआ 2 ऐड, फिर उसमें क्या ऐड हुआ 3, यानी क्या है कंजुगेटिव है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। या दूसरा तरीका n की जगह क्या पुट कर लीजिए, 1 पुट कर लीजिए, यहाँ पर क्या बन जाएगा आइटा स्क्वेयर, यहाँ पर आइटा क्यूब, यहाँ पर आइटा 4 और यहाँ पर आइटा 5। अब देखिए कंजुगेटिव है 2 3 4 5, आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अगर आपको सोल्व कर दिखाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका अच्छे से डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक ही साइड नहीं होते, इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, बिल्कुल आपके दो क्वेश्चन में काम आएगा, एक तो कोई ऐसा क्वेश्चन हो, एक ऐसा क्वेश्चन हो कई बार आता है एग्जाम में, जैसे आपने देखा होगा कि रिंग है, रिंग और फिंगर वाला क्वेश्चन आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है भाई, इस रिंग को इस एक फिंगर में कितने तरीके से पहना जा सकता है, ठीक है, ऐसा आता है। एक ऐसा आता है भाई 5 लेटर को 7 लेटर को उसमें कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं, इसके लिए आप डायरेक्ट सिर्फ एक फॉर्मूला, एक ही ट्रिक है क्या, अन बेसिक से ही मैं आपको समझा, लेकिन यहाँ पर ये काम आती है, बेसिक में ज्यादा टाइम लगता है, अनमूवेबल की पावर मूवेबल, यानी अब देखिए लेटर बॉक्स में और लेटर में से अनमूवेबल कौन सा, यानी रेस्ट में कौन सा रहेगा, लेटर बॉक्स हमेशा अपनी जगह रहेगा, तो अनमूवेबल क्या हुआ लेटर बॉक्स, क्या हुआ लेटर बॉक्स, और मूवेबल क्या हुआ हमारे लेटर, लेटर तो हमारे हाथ में होते हैं, हम कौन से में डाल सकते हैं, लेकिन लेटर बॉक्स तो उधर से नहीं हटा सकते, ठीक है, वो उधर ही रहेंगे, तो अनमूवेबल हमारे पास कितने हैं 7, और 7 की पावर ये लेटर कितने 5, तो 7 की पावर 5 क्या जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा इस, और रिंग फिंगर वाले क्वेश्चन में भी यही करना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए फोर विद द वेक्टर 3i कैप + 4j कैप - k कैप एंड - 2i कैप + aj कैप + 10k कैप आर परपेंडिकुलर। सबसे पहले देखिए अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी हमारे पास 0, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अब तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये बस थोड़ा कंसेप्ट आपको याद होना होता है फिर क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन में डॉट प्रोडक्ट कीजिए, माइनस का 6
थ्री की और माइनस टू की माइनस का सिक्स, और फिर फोर प्लस का फोर ए, फिर माइनस का टेन इज इक्वल टू किसके होगी, जीरो के। फोर ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस सिक्स माइनस टेन माइनस का सिक्सटीन, उधर जाकर प्लस का सिक्सटीन, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये कट करके आ जाएगी ए की वैल्यू फोर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज करें हम तो वो किसके इक्वल आ जाए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, ये होगी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वाले केस में क्या होगा, ये होगा। अगर सभी स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के इक्वल आएगा, इसी क्वेश्चन तो ही नहीं सकता, वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ठीक है। अब देखिए, अब यानी हमें ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज निकाला, वो ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, चार दो एक्स माइनस तीन, यानी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन आएगा। ये किसके इक्वल आएगा, इसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, अगर क्या है सिमेट्रिक है, तो चार एक्स प्लस टू टू एक्स माइनस तीन एक्स प्लस वन। तो अब देखिए, टू एक्स माइनस तीन चार किसके इक्वल है, चार के, तो उसी हिसाब से इक्वल है तो ये बात इक्वल होनी चाहिए, यानी सभी एलिमेंट क्या होगी, इक्वल होगी, यानी तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस टू के यहीं से निकल जाएगी। इसको इस साइड ले गया, क्या बच गया, एक्स, इसको इस साइड ले आया, टू प्लस थ्री कितना हो गया, फाइव, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, बिल्कुल ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का था आपके एग्जाम में, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले थोड़े बेसिक बातें बता दूं आपको मैं इस क्वेश्चन की। अगर कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, जीरो, और अल्फा और बीटा उसे क्या है, रूट, तो उन जो रूट होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, और उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो किसके इक्वल होती है, सी बाय ए के इक्वल होती है। उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अगर इस इक्वेशन में देखें तो माइनस माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी, माइनस तीन, माइनस एक माइनस तो पहले ही आएगा, माइनस तीन बाय ए की वैल्यू कितनी है, फाइव, और अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, सी बाय ए, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस आठ, और बी ए की कितनी है, फाइव, ये कितनी आएगी, थ्री बाय फाइव, और ये कितनी आएगी, माइनस आठ बाय फाइव। अब देखिए हमारे पास वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा की। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा उस साइड चला गया, बीटा प्लस अल्फा, यानी इन दोनों चीजों की हमारे पास क्या पड़ी है, आखिरी में जुट पड़ी है। तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी हमारे पास होती है, माइनस आठ बाय फाइव, कितनी दे रखी है हमें, थ्री बाय फाइव डिवाइड बाय माइनस आठ बाय फाइव, इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस तीन बाय आठ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बिल्कुल एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पर यहाँ तक आपको क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखिए इसमें क्या निकालने पास, सबसे पहले फोग निकालना है, फोग ऑफ एक्स निकालना है, और फिर उस एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, वन पुट करना है। देखिए फोग ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब जहां पर एक्स है वहां पर एफ में जी एक्स पुट करना है। अब देखिए एफ ऑफ जी एक्स यानी ई की पावर जी एक्स, एक्स जहां पर एफ एक्स फंक्शन में एक्स है वहां पर क्या पुट करना है, जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू कितनी देखिए, लॉग एक्स, तो ई की पावर लॉग एक्स, ई से लॉग, ये हमेशा क्या है एक दूसरे से कट जाते हैं, तो एक्स की एक्स हो गया, और एक्स की जगह अब एफ ऑफ एक्स निकला है, तो हमें निकालना एफ ऑफ वन, तो ऐसी जगह क्या पुट करना पड़ेगा, वन, तो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बिल्कुल इजी सा, इवेलुएट द डेरिवेटिव ऑफ, 90% बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में गलत करेंगे, ऐसे नहीं उनको नहीं आता लेकिन जल्दी जल्दी में गलत करेंगे, कैसे, कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव समझ बैठे हैं इसको, लेकिन है कोट इनवर्स 1 बाय एक्स का, कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है हमारे पास डेरिवेटिव, माइनस वन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन का हमारे पास क्या होता है, वन बाय वन प्लस, आपको मैं रिविजन करवाएंगे फॉर्मूले तो आपके ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। अब हमें पूछ रखा कोट इनवर्स 1 बाय एक्स का, और देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लाई में वन, यही कंसेप्ट समझना है। यहाँ पर देखिए वन बाय कोट इनवर्स वन बाय एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन, और एक्स की जगह क्या पुट करना है, वन बाय एक्स का स्क्वायर। अब इस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव भी निकालना, किसका, इस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव, वो क्या होगा, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, वो मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ अभी दो सेकंड। माइनस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव कैसे हुआ, देखिए जो हमारा 1 बाय एक्स है इसका डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स कैसे हुआ, देखिए अगर मैं इस एक्स को ऊपर ले जाऊंगा तो एक्स की पावर माइनस एक हो जाएगा,
अब डेरिवेटिव में क्या होता है, एक पावर घटा देते हैं, यानी एक्स की पावर माइनस एक में से एक गई और उसी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे। कितना आ जाएगा माइनस का, कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का टू। अब ये कितना बच गया, माइनस का टू बाय माइनस माइनस वन, हाँ माइनस टू बाय एक्स स्क्वेयर बच गया, एक्स स्क्वेयर बच गया। अब इसका क्या होगा डेरिवेटिव, वन माइनस वन बाय वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर, और इसका क्या होगा माइनस वन बाय, यानी एक पावर घटा देते हैं और उसी उड़ता एक पावर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का वन आगे आएगा, माइनस का वन आएगा, क्योंकि देखिए एक्स की पावर वन का डेरिवेटिव वन हमारे पास, वन हमारे पास क्या जाएगा आगे, और इसमें से एक घटा देंगे यानी जीरो। ऐसे ही अगर एक्स की पावर माइनस वन का करना है तो माइनस वन क्या जाएगा आगे, और इसमें से एक घटा देंगे यानी माइनस का टू, तो यहाँ पर ये क्या आएगा वन आएगा, ठीक है क्या आएगा वन आएगा, तो माइनस का वन बाय एक्स स्क्वेयर, यही मैंने लिखा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस वन बाय एक्स स्क्वेयर, ये कट गया एक्स स्क्वेयर है। अब ये वन बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और ये जो एक्स स्क्वेयर पूरी डिवाइड में आएगा वो क्या कहाँ चला जाएगा ऊपर, और मल्टीप्लाई में वन बाय एक्स स्क्वेयर, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर या वन बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वन, इसका क्या होगा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। कई बच्चे जल्दी जल्दी में बी करेंगे लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला देखते हमारे पास क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 12 इन एक्सपेंशन ऑफ, सबसे पहले हमें पता है कि अगर ए प्लस बी की पावर एन है तो उसको कैसे खोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बाय बी की पावर आर, ऐसे ही खोलते हैं। अब इसको भी ऐसे ही खोलेंगे, एन की वैल्यू कितनी है 30, सी आर की वैल्यू हमें पता नहीं, 30 सी आर यानी, और ए की वैल्यू क्या है 3 एक्स स्क्वेयर 30 माइनस आर, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 बाय एक्स आर। अब हमें एक्स की पावर 12 का निकालना है तो एक्स की पावर एक जगह इकट्ठी कर लेंगे, क्या कैसे, 30 सी आर और 3 की पावर कितना हो गया यहाँ पर 3 माइनस क्या है ये आर है, तो 30 माइनस आर और एक्स की पावर अलग इकट्ठी कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर की पावर ऐसे लिख सकता हूँ मैं 30 माइनस आर, और यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा और एक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस का आर। अब यहाँ पर देखिए ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा 3 सी आर 3 की पावर 30 माइनस आर, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो 60 माइनस 2 आर, और यहाँ पर एक्स की पावर ये बेस सेम है तो और क्या जाएगी एड, यहाँ पर क्या ये माइनस की तो क्या हो जाएगा माइनस का आर। तो इस अब हमें निकालना कि जब कोफिशिएंट है एक्स की पावर 12 का ही, तो यानी 60 माइनस 2 आर माइनस आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12 आ गई, और माइनस 3 आर ये क्या हो गया माइनस 3 आर, 12 माइनस 16 ये हमारे पास क्या गया माइनस का 48, इससे ये कैंसिल तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16 आ गई। अब इस आर की वैल्यू कोफिशिएंट निकालना है तो इससे आगे आगे वाला वो यहाँ पर आगे वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे, यानी 30 माइनस सी 16 मल्टीप्लाई 3 की पावर 30 माइनस 16 यानी क्या बचाएगा 14, यानी आंसर नंबर डी इसका क्या जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लगे होंगे, 20 क्वेश्चन और बिल्कुल सेम लेवल आता है एग्जाम का, ना इससे हार्ड आता है और ना इससे ईजी आता है, ठीक है यही लेवल आता है, ठीक है। और कहीं भी जरूरत पड़ेगी लेवल को थोड़ा हाई करने की वहाँ पर हाई भी करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही। जय हिंद।